तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में शनिवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कल्याण सिंह की सेहत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 4 जुलाई को उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। फिर उन्हें यहां से पीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया था। कल्याण सिंह के निधन की खबर मिलते ही बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दोपहर 1 बजे तक के लिए यूपी विधानसभा में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता कल्याण सिंह का के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। बता दें कि पीजीआई में शिफ्ट होने के बाद दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल में लगे हुए थे। इस बीच सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने समय समय पर पीजीआई जाकर उनका हालचाल भी लिया था। लेकिन अब ये जो खबर सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ बीजेपी परिवार में शोक की लहर है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद अब उनके अंतिम दर्शनों के लिए लगातार मंत्री नेतागढ़ पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह ने जो योगदान दिया है देश भर में, उनकी हमेशा से यही नीति रही कि जन कल्याण के लिए काम किया जाए, और ऐसे में विपक्ष भी उनकी इन्हीं नीतियों का कायल था, और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में शोक की लहर है आज के दिन। तो वहीं 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनके दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली से लौटने के बाद सीधे उनके दर्शनों के लिए पहुंचे, और इसके बाद ये भी है कि लगातार वो उनसे मिलते रह रहे थे, उनका हालचाल जान रहे थे। लेकिन आज ये खबर सामने आते ही पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में बीजेपी परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव से संबंध रखने वाले कल्याण सिंह का जीवन कठिनाइयों से तो भरा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने जन कल्याण का काम किया। उन्होंने हमेशा एक सपना देखा उभरते हुए उत्तर प्रदेश का, और ऐसे में विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जहां पर लगातार नेतागण मंत्रीगण पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही सभी ने सोशल मीडिया के जरिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं।